आज की वीडियो में बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें चयनित छात्रों की नौकरी चली गई है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी लिस्ट और नोटिस में क्या लिखा है, वो भी बात आपको प्रूफ सही दिखाते हैं। जिला औरंगाबाद के माध्यम से एक लिस्ट जारी कर दिया गया है, उन सभी अभ्यर्थियों का नाम है जिनकी सीटेट में 90 अंक से कम मार्क्स आए हैं, और ये उन अभ्यर्थियों के नाम हैं जो अदर स्टेट्स के हैं, क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को शुरू में ही ये बात तो स्पष्ट नहीं करी गई थी। ये बात जरूर लिखा गया था कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 90 अंक लाना अनिवार्य है। साथ ही जो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं उनके अगर 83 नंबर है तो भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसमें चयनित हो सकती हैं। फिलहाल ये बात स्पष्ट नहीं लिखा गया था कि जो सामान्य कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं वह बिहार राज्य की होनी चाहिए कि अदर स्टेट की होनी चाहिए। फिलहाल नोटिफिकेशन में ये बात स्पष्ट न होने से अन्य राज्य की जो महिला अभ्यर्थी थी वो भी अपने आप को 90 अंक से कम वाली कैटेगरी में मान बैठी और उनका चयन हो गया। कुछ लोगों की जो ज्वाइनिंग शुरू में रोक दी गई, कुछ लोगों की बीच में, कुछ लोगों की तो एक एक वर्ष बीत गए हैं लगभग, और ऐसे लोगों का चयन जिनका भी हुआ था उनकी जो भी ज्वाइनिंग हुई थी, जो भी पैसे उन्होंने सैलरी पाई थी, आज से उन्हें अब बाहर किया जा रहा है। सैलरी वगैरह हर चीज़ पा रहे थे, हर चीज़ अच्छे से चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे फरमान जारी कर दिया गया और ऐसे में ये लिस्ट लंबी चौड़ी है। ये तो मात्र औरंगाबाद के भी है, बिहार राज्य के अन्य जिलों से भी लगातार लिस्ट जारी है। तो सीटेट के उन सभी अभ्यर्थी जिनका अगर वो अदर स्टेट के निवासी हैं, महिला हों या पुरुष हों, तो उन्हें 90 अंक होना ही होना चाहिए। फिलहाल नोटिफिकेशन में बात जरूर स्पष्ट कर देनी चाहिए थी, जैसे अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 90 अंक चाहिए, उन्हें इस बात को जरूर स्पष्ट कर देना चाहिए था कि जो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं बिहार की उन्हें इतना चाहिए और जो अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें 90 अंक चाहिए। ये बात स्पष्ट न लिखे होने से कितनी सारी महिला अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इन सभी महिला अभ्यर्थियों को आप देख पा रहे होंगे, सभी की सभी महिला अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल बिहार सरकार इस पर लगातार एक्शन ले रही है, शुरू में ही एक्शन लेती इन अभ्यर्थियों का भविष्य चौपट नहीं होता। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।